अपने मुंह को काम दे कि आपके जीवन की दिशा को वो बदल दे, इसे अस्तित्व में आने के लिए कहे, अपने भविष्य को कहे, वो खुशी से रहेगा, हम सफलता से जिएंगे, हम विजयी घर पाएंगे यहाँ पर यीशु के नाम में। इस तरह से आप सब कुछ बदलते हैं। अब्राहम यहाँ जाता है और खुद को पुकारता है नए नाम के साथ में इस बुढ़ापे की उम्र में, और जब भी कोई कहता है तुम्हारा नाम क्या है, और वो कहता है बहुत सी जातियों का पिता, और लोगों ने कहा होगा मेरे प्रभु तुम तो पागल हो चुके हो, क्या तुम्हें और कोई नाम नहीं मिला, तुम्हें क्या हो गया है, इस उम्र में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, इस उम्र में अपना दूसरा नाम रख रहे हो और तुम हमें ये बताने के लिए आए हो कि अब से तुम्हारा नाम अब्राम नहीं है लेकिन अब्राहम है, और उसका अर्थ बहुत सी जातियों का पिता है, क्या तुम्हें और कोई नाम नहीं मिला, तुम सच में जो हो ये तो बिल्कुल उसका उल्टा ही दिखाई देता है, तुम जो अपने आप को कह रहे हो उससे जो असली परिस्थिति है वो तो बिल्कुल ही अलग है। देखिए यहीं पर तो सताव आता है लेकिन यहीं पर तो विजय होती है, और इसी तरह से उसे संतान होनी थी। देखिए ये तो बहुत ही अजीब दिखता था और ये तो सच में हंसने वाली बात दिखाई देती थी कि एक बूढ़ा व्यक्ति अचानक अपने नाम को बदल दे। यदि प्रभु उसे ऐसे छोड़ देता और उसे संतान देता तो कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाता था, लेकिन विश्वास ऐसे काम नहीं करता है, विश्वास काम नहीं करता। अब्राहम के घर में जबकि अब्राहम अपनी पत्नी को कहता है कि तुम तो बेकार हो, तुमसे कोई संतान उत्पन्न नहीं होती है, ऐसे काम नहीं करता, इसलिए उसने उनकी भाषा बदल दी कि उन्हें इनके बोलने के तरीके को बदले और ये खुद को बताए, तो उसने उनके नाम बदल दिए। नाम बदलना तो जरूरी था, वो जरूरी था क्योंकि वो जो मुंह से कहते थे वो तो उनके विश्वास के लिए बहुत जरूरी था, वो विश्वास खोले ताकि ये जो विश्वास है वो वहां पर संतान को जन्म दे सके।
यह महत्वपूर्ण था, प्रभु को इसे करना था। और जब उसने किया तो यह हंसने वाली बात दिखाई दी कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपना बहुत सी जातियों का पिता रख दे। मैं सोचता हूं सब लोग हंसे होंगे। लेकिन फिर देखिए, यही तो बात थी जिसने उत्पन्न किया, मैं विश्वास करता हूं, उस विजय को और चमत्कार को, जिस वचन ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। अब वो अब्राहम और सारा के मुंह में था, नई देह बना रहा था, नई कोख बना रहा था, अब्राहम के लिए नया शरीर बना रहा था, उन्हें ऐसे बना रहा था जो अभी बच्चे को जन्म दे सकते हैं। इसने उनके शरीर को पूरा बदल दिया और शारीरिक योग्यता कि वो संतान को जन्म दें, और फिर उनकी संतान हुई। इसके बिना उन्हें संतान नहीं हो सकती थी, उसे कहे बिना ही वो इसे अस्तित्व में नहीं ला सकते थे। ये घोषित किए बिना कि वो बहुत सी जातियों के पिता हैं, वो कभी भी बहुत सी जातियों का पिता नहीं हो सकता था। यही बात थी, हंसने वाली बात थी, लेकिन ये चाबी थी। यह अजीब दिखाई देता है, लेकिन यह ऐसी बात है जो बहुत जरूरी थी। इसी से विश्वास का जीवन इतना मुश्किल होता है। संसार इसे नहीं समझता, वो सोचते हैं कि आप तो पागल हैं क्योंकि आप ऐसे विश्वास करते हैं। यही तो बात है जिसे वो हंसने की बात सोचते हैं, वही तो कुंजी है हमारी विजय के लिए। जिसे वो हंसने की बात समझते हैं, वही हमारे विजय के लिए कुंजी है। क्योंकि इस तरह से संसार में हम पैसों का उपयोग करते हैं कि पैसा देकर भोजन करते हैं। यदि भूखे हैं, यदि पैसा है, तो क्या सोचते हैं, हाँ कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, मेरे पास पैसा है, मैं जाकर कुछ खरीद सकता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि पैसा खरीद सकता है भोजन, भोजन खरीद सकता, आपको संतुष्ट कर सकता है। उसी तरह से विश्वास के जीवन में, आत्मिक जीवन में, विश्वास ही पैसा है। जब कोई समस्या हो, नौकरी चली जाती है, तो क्या कहते हैं, प्रभु की स्तुति, मेरे पास विश्वास है। लेकिन आपके ससुर कहते हैं, तुम्हारे पास में क्या है। वो नहीं समझ सकते हैं, तुम कौन से चर्च में जाते हो, तुम कौन सी बाइबल पढ़ते हो। लेकिन आप कहते, ससुर जी चिंता मत कीजिए, मेरे पास विश्वास है। और वो भरोसा नहीं कर सकते हैं कि विश्वास काम करेगा, वो विश्वास को नहीं जानते, किसी ने उन्हें नहीं बताया कि विश्वास कैसे काम करता है। आप कहें मेरे पास विश्वास है, वो कहेंगे तुम्हारा विश्वास क्या करेगा, इससे मुझे कुछ खाना मिलेगा क्या। देखिए, यही तो बात है कि विश्वास वो चीज है जिसका उपयोग करते हैं, जैसे पैसों का स्वाभाविक संसार में उपयोग करते हैं। विश्वास ही वो चलन है जो आप देते हैं उसके बदले में जो आप लेना चाहते हैं। आपकी जरूरत के बीच में आप अपने विश्वास का उपयोग करते हैं कि दे दे और जो चाहिए उसे आप ले ले। यानी अपना विश्वास खर्च करना होगा। विश्वास खर्च करने का तरीका है कि आप अपने विश्वास को कहते जाएं, और इसलिए परमेश्वर इसमें दिलचस्पी लेता है, और इसलिए अब्राहम परमेश्वर के जैसे हो गया। उन्होंने एक आदमी को पाया, मैंने कहानी पढ़ी थी, वो आदमी मर गया था एक झोपड़ी में, दूसरे देश में। वो वहां पर गए और पाया कि भुखमरी के कारण ये आदमी की मौत हुई है, और उसके अपार्टमेंट को देखा और उसके घर को देखा, जिस गद्दी पर वो सो रहा था उसमें बहुत पैसा था अंदर में। उसने सारा पैसा जो है उस गद्दी में भर कर रखा था, डॉलर के नोट थे, और वो उस पर सोता था, और वो भूखे रहकर मर गया। सब लोगों ने कहा भूख के कारण मरा, दुख की बात है। नहीं, वो भूख के कारण नहीं मरा, उसने खर्च करने से इनकार करने के कारण वो मरा। देखिए, उसके पास पैसा था, उसने पैसा खर्च करने से इनकार किया। देखिए, कुछ लोगों में ये बीमारी होती है, ये बीमारी है, देखिए ये बात सच है। उसने खर्चा करने से इनकार किया, इसलिए वो मरा। इसलिए नहीं कि पैसा नहीं था, वो खाना नहीं खरीद सकता था, नहीं, वो इसलिए मरा क्योंकि उसके पास पैसा था लेकिन वो खर्च करने के लिए तैयार नहीं था कि जो भोजन चाहिए उसे खरीद ले। हाँ, यानी विश्वास ऐसा ही है। जब मैं अपना विश्वास प्रकट करता, अपना मुंह खोलकर इसे कहता हूं, तो इसे खर्च करने के लिए तैयार हूं, उपयोग करने के लिए तैयार हूं। जब जरूरत में होता हूं, विश्वास का उपयोग करता हूं। जब जरूरत हो तो मुंह खोलकर यह नहीं कहता मेरी जरूरत है, नहीं, जब मेरी जरूरत हो तो मैं मुंह खोलकर कहता हूं कि जवान सिंह को घटी हो सकती है, लेकिन जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं उन्हें कभी किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी। लोग कहते हैं हंसने वाली बात है, यदि पैसा चाहिए तो बस हमें बताओ, यही तो पूरी बात है। मैं नहीं बताऊंगा, मैं बस यही कहूंगा कि परमेश्वर मेरी जरूरत कैसे पूरी करेगा, क्योंकि अब मैं अपना विश्वास खर्च कर रहा हूं। यही तो आत्मिक क्षेत्र में नोट है,
मैं भी लेन देन कर रहा हूं, मैं इसे पाऊंगा, आप देखेंगे कि मैं इसे प्राप्त करूंगा। मुझे जो भी चाहिए वो सब मुझे मिला है, विश्वास के उपयोग से। यदि विश्वास है तो आप कहेंगे चिंता मत करो मैं भोजन दूंगा, चिंता मत करो मैं घर खरीदूंगा, चिंता ना करो मैं व्यापार लेकर आऊंगा, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, चिंता ना करो मैं इसे करूंगा। जो भी आपकी जरूरत है आपको मिलेगा विश्वास से, विश्वास से ये सब कुछ काम करता है। आमेन। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, देखिए समस्या यही है, वो अंगीकार पसंद नहीं करते। लोगों को ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है, जो चीजें नहीं है उन्हें पुकारना, क्या तुमने इसे सुना है? ऐसे पुकारना जैसे वो है मेरे प्रभु। इन दिनों में सब लोग पागल हो रहे हैं, वो लोग सीधा प्रचार नहीं कर रहे हैं। अच्छा सामरी उड़ाओ पुत्र, उन सबको क्या हो गया है? एक भाई ने कहा मेरा प्रचार सुनने के बाद, क्या हुआ उस अच्छे सामरी को और उड़ाओ पुत्र को? मैंने कहा वो अभी भी वहां पर है भाई। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं वो विश्वास नहीं करते, जो चीजें नहीं है उन्हें ऐसे बुलाना जैसे कि मानव वे हैं। वो कहते हैं ओ ओ आप नाम ले उसका दावा करें, उस समूह के लोग हैं, जानते हैं, बोलो और उसे ले लो ऐसे समूह के। लेकिन बात यह है, नाम लिए दावा किए बिना कुछ चीजें आप नहीं पा सकते हैं, यही समस्या है। अगर कोई मरकर आपके लिए बैंक में 100 करोड़ रुपए छोड़कर जाए, अच्छा है कि आप सीख ले कि कैसे दावा करें उसे ले ले। और फिर मैं देखना चाहता हूं कैसे आप चुपचाप रहेंगे और कहेंगे यदि ये प्रभु की इच्छा है ब्रदर तो वो मेरे घर में आ जाए, मैं उसके लिए वहां नहीं जाऊंगा। अच्छा है कि आपके पास जो कुछ भी उसे लेकर जाए, शहर का सबसे अच्छा वकील आप ले लें और जाए और जो कुछ भी करना है उसे कीजिए। क्योंकि देखिए बहुत साल पहले उस समय हिटलर के समय में, जानते हैं, सारे यहूदी परेशानी में थे, कुछ लोग मारे गए, बहुत से लोग मारे गए। कुछ लोगों के पास पैसा था, निवेश किया था, बहुत से धनी लोग थे, व्यापार में वो अच्छा काम कर रहे थे, पैसा निवेश किया था, वो जानते थे कि कुछ परेशानी आएगी, पैसा निवेश किया स्विट्जरलैंड और दूसरी जगह पर, खास करके स्विट्जरलैंड में लाखों और लाखों और करोड़ों डॉलर वहां पर स्विट्जरलैंड में जमा किए गए थे यूरोप के यहूदियों के द्वारा, हिटलर के समय की बात है। क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी सारी चीजें छीन ली जाएगी, इसलिए कुछ कैश वहां पर डिपॉजिट किया। उनमें से कुछ को पकड़ा गया और नाजी कैंप में उन्हें जलाया गया, गैस से मारा गया और वो मर गए। किसी को पता नहीं था पैसा कहाँ है। वो अपने परिवार से अलग किए गए थे, वो मारे गए थे और कोई नहीं देख पाया कि उनका पैसा कहाँ रखा था। और जानते हैं बैंक ने क्या किया? बैंक चुपचाप बैठी रही। बैंक ये ढूंढते हुए नहीं आई कि हाँ मैं देखूं कि कहां पर है न्यूएनबर्गर, इस तरह से कुछ नाम लेकर नहीं आए। नहीं नहीं, वो चुपचाप रहे, कभी इस मुद्दे को बाहर नहीं लाए। जहां लाखों और लाखों और करोड़ों डॉलर वहां पर बैंक में थे, वो बस चुपचाप रहे। और फिर अंत में कुछ यहूदी लोगों ने मुद्दा उठाया, उन्होंने कुछ परिश्रम किए कि वो इकट्ठे हो जाए और खुद को क्रम में लेकर आए और वकील से संपर्क किया और फिर कुछ कानूनन कार्रवाई की कि प्राप्त करें वो पैसा पाए जो उनके पूर्व छोड़कर गए थे नाजी समस्या के बीच में। और फिर जाकर उनके पास पहुंचे और जानकारी निकालना भी बहुत ही मुश्किल बात थी। ये लोग कह रहे थे मेरे दादाजी का नाम ये है, मैं निश्चित जानता हूं कि उन्होंने पैसा निवेश किया, मैंने उन्हें ये कहते हुए सुना था, मैं जानता हूं उन्होंने पैसा जमा किया बैंक में, किसी न किसी बैंक में, मुझे नाम चाहिए, लिस्ट चाहिए। उन्हें चीखना पड़ा ताकि सारा संसार इसमें जुड़ जाए कि वो सब कुछ दिखाएं कि क्या ऐसे व्यक्ति का कोई पैसा था। और बहुत से लोगों को पैसा वापस मिला क्योंकि उन्होंने उसका नाम लिया और उसका दावा किया। हेलो। और मैं आपको बताऊं, शायद वो लाखों और करोड़ों डॉलर होंगे, लेकिन यीशु जब क्रूस पर मारा गया, उसने हमारे श्रापों को अपने ऊपर में ले लिया और उसने हमें अब्राहम की आशीष दी और मानो हमें लाखों और करोड़ों डॉलर से भी ज्यादा कुछ दिया है। उसने हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ा है, उससे भी बढ़कर, और ये वहां पर स्टोर में है। यदि आप इसका नाम लेकर दावा नहीं करते हैं तो इसे कभी नहीं पाएंगे, यही समस्या है। अच्छा है कि इसका नाम ले और दावा करें, अच्छा है कि आप जाकर ढूंढ निकालें। और यही तो इसके डॉक्यूमेंट हैं। लोग बस कहते रहते हैं कि नाम ले दावा करे, कैसे उसका दावा करते हैं और देखते हैं कि कैसे अच्छे डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने रखा है, और वो उस पत्रम के बारे में ज्यादा सावधान रहते हैं, डॉक्यूमेंट के बारे में।
क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, हर एक शब्द का वो अर्थ लगाते हैं, हर एक चीज का दावा करते हैं जो उनके पास में है, हर एक डॉक्यूमेंट में वो जाना चाहते हैं और देखना चाहते कि उनका क्या है, हर चीज लेना चाहते हैं, हर एक पैसा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये तो बिल्कुल वैसा ही डॉक्यूमेंट है। आपके घर में जो भी डॉक्यूमेंट है, इससे तो ये बहुत ही ज्यादा कीमती है। नया नियम वो डॉक्यूमेंट है, ये तो निश्चय विल है जो कि हमें दिया गया है यीशु मसीह के द्वारा उसकी मृत्यु के समय, और ये उसके पुनरुत्थान के द्वारा क्रियाशील हुआ है, और वो पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा है हमारे वकील के रूप में, कि ये निश्चित कर ले कि यहाँ पर जो भी लिखा है वो हमें दे दिया जाए। कोई समस्या नहीं, जज हमारी ओर से है, एडवोकेट हमारे लिए है, सब कुछ हमारे लिए ही है, बस आपको नाम लेना है, इसका दावा करना है, बस इतना ही। एक भाई ने मुझसे कहा, ओ मुझे संपन्नता की ये सारी बात पसंद नहीं, जानते हैं। तो मैंने कहा, भाई बहुत अच्छा, आपके पास जो भी उसे बेच दो और मुझे दे दो, अब ये तो हमेशा के लिए पूरी बात होती। उसने कहा, कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा, आपको चकित करने के लिए मैंने कहा है। आपने कहा संपन्नता नहीं चाहिए, मुझे संपन्नता चाहिए, मुझे बहुत कुछ करना है, मैं आपके जैसे नहीं कि बस राह देख कर स्वर्ग में जाना चाहूं, नहीं, मुझे बहुत काम करना है, मेरे पास योजना है, मुझे सारे काम करने हैं और मुझे बहुत से काम करने हैं, मैं अच्छे के लिए उपयोग करूंगा, आपको नहीं चाहिए, आप स्वर्ग में जाएंगे, आप पवित्र हैं, संपन्नता की व्यक्ति नहीं, क्यों ना आप स्वर्ग में चले जाएं और चीजें हमें दे दें, हम इसकी देखभाल करेंगे, मैंने कहा। तब वो जाग गए, वो नाम लेकर दावा करने लगे, जो कुछ भी उनका था। तो आप जल्दी लोगों में स्पष्टता ला सकते हैं यदि आप इसके बारे में सोचे। अंगीकार शायद सबसे मुश्किल क्षेत्र है जहां पर लोग इसे स्वीकार करें। मैंने इसे सच्चा पाया, इसलिए आज इसे मजबूती से कहता हूं। अगर मुंह खोलकर कहे तो कहते ये हंसने वाली बात है, ये बेकार है, ये है, वो है, हर तरह की बात कहते और इसके बारे में मजाक उड़ाते जाते। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये यही तो कुंजी है कि विश्वास के जीवन में विजय पाए। हाँ, अंगीकार क्या है? परमेश्वर जो कहता है बस वही बात कहना है। आप क्या कहते हैं? जो अखबार कहते हैं क्या वही बात आप कहते हैं? एक ने तो इसे एक छोटी सी कविता के जैसे से रखा, उन्होंने कहा, डूम ग्लूम एंड डिस्पेयर एंड एग्नी ऑन मी, बहुत ज्यादा निराशा और बहुत ही ज्यादा दर्द, यदि इसे बैड लक कहते हैं तो मेरे पास कोई लक नहीं है, मुझ पर ये सारी विपत्तियां और परेशानियां हैं। वो यही कहना चाहते थे, हाँ, यदि ये बैड लक है तो उनके पास कोई लक नहीं था। कितनी अच्छी कविता है ये। लेकिन बहुत से लोग ऐसे ही तो हैं, हाँ, वो खुद पर इस तरह की परेशानी समस्याओं की भविष्यवाणी करते हैं, सुबह की 6 बजे की खबर को अपने ऊपर भविष्यवाणी करते हैं, जानते हैं, वो बस भविष्यवाणी करते जो कुछ भी वहां पर प्रसारित तो हो रहा है। वो कहते, ओ भाई क्या आपने सुना, मुद्रास्फीति 13% हो गई। वो कहते हैं कि अब सब कुछ बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जानते हैं, वो बस इसी बात की भविष्यवाणी करते हैं, ये सारी बातों के बारे में कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, परमेश्वर जो कहता है उसे कहना ही तो बस अंगीकार होता है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपको कभी कोई घटी नहीं होगी, आपको भली चीज की घटी नहीं होगी, यही इसका अर्थ है। आपको याद है हमने इब्रानियों अध्याय 4 में पढ़ा, ये कहता है कि यही सुसमाचार जो पुराने नियम में उन्हें बताया गया वो हमें भी बताया गया है, ठीक है, सुसमाचार प्रतिज्ञा के देश के बारे में, दूध और मधु के देश के बारे में। लेकिन वो नहीं जा पाई, पहली पीढ़ी जंगल में ही मर गई, क्यों? क्योंकि ये कहता है, क्योंकि उन्होंने जो संदेश सुना उसे विश्वास के साथ में नहीं जोड़ा, ठीक है। चलिए मैं इस तरह से बताऊं, मैं आपको यहां पर सुझाव देता हूं, जब भी विश्वास शब्द देखो तो इसके जगह पर क्या रखना है, जो चीजें नहीं उसे ऐसे बुलाएं जैसे कि वे हैं। तो इस तरह से पढ़े, यह है इब्रानियों अध्याय 4:2, वही सुसमाचार उन्हें प्रचार किया गया जो हमें प्रचार किया गया, लेकिन जब उन्होंने सुना तो इसके साथ में उन्होंने नहीं जोड़ा, जो चीजें नहीं है उसे ऐसे बुलाए जैसे वो हैं। मैं और भी सरल रूप में बताऊं, उन्होंने ये सुसमाचार सुना, लेकिन ये जब उन्होंने सुना, उन्होंने बात करने का तरीका नहीं बदला, अपनी नौकरी के बारे में, पैसों के बारे में, घर के बारे में, पत्नी के बारे में, पति के बारे में,
सारी चीज के बारे में, जैसे वो सब बातों के बारे में कहते थे, उन्होंने उसे नहीं बदला। वो अपने जीवन की हर बात के बारे में कहते रहे उसी तरह से जैसे वो कहते रहे, कभी भी उन्होंने बोलने का तरीका नहीं बदला अपनी चीजों के बारे में, और इसलिए जो प्रभु ने उनके लिए रखा था उसमें वो नहीं जा पाए। इस वचन के बगल में से लिख ले तो अच्छे से समझ पाएंगे। वो तैयार नहीं थे कि जो चीजें नहीं है उन्हें ऐसे बुलाए कि वो है। वो तैयार नहीं थे कि इस भविष्य को वो बुलाएं कि अस्तित्व में आए। वो इसे अस्तित्व में लाने के लिए तैयार नहीं थे। आपको इसे कहना होगा तब यह अस्तित्व में आएगा। यह अद्भुत है कि कैसे लोग कई बार सब कुछ कहते जाते हैं जैसे वे हैं, लेकिन कभी भी जो नहीं है उसे नहीं बुलाते हैं, भविष्य को नहीं बुलाते हैं। आपने इसे सुना होगा, शायद मैंने आपको ये पहले बताया है। कुछ बहनें वहां पर प्रार्थना की सभा के लिए आती हैं। ये बनाई गई कहानी नहीं है। अक्सर मैं कहानी बनाते नहीं रहता हूं। मैं चुटकुले की किताब ऐसी वगैरह नहीं पढ़ता। पुराने जमाने में चुटकुले की किताब पढ़ता था, लेकिन अभी नहीं पढ़ता हूं। हम तो उन्हें अब देखते हैं। आप असली कहानी बता सकते हैं। बहुत सी कहानियां हैं। ये वो कहानी है जो पुरुषवाक्यम में हुई थी, यहां से ज्यादा दूर नहीं। अभी इस समय आप पुरुषवाक्यम में बैठे हैं। एक दर्जन बहनें प्रार्थना सभा में गई और प्रार्थना करने के लिए वो तैयार हो गई। लीडर ने कहा चलो प्रार्थना निवेदन सुनते हैं। एक बहन ने कहा मेरे पति के लिए प्रार्थना कीजिए, बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन जानते हैं आप वो कि बहुत खर्च करते हैं, इसलिए हमारे पास ज्यादा नहीं रहता, हमेशा पैसों की कमी होती है, वो गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्रार्थना कीजिए। वो तो बस पैसों का सही मैनेजमेंट नहीं करते हैं, अच्छे नहीं है, मेरी बात नहीं सुनते हैं। मैं उनके विरुद्ध में ये कहना चाहूंगी, इसलिए आप प्रार्थना कीजिए। उन्होंने दूसरी बहन की ओर देखकर कहा कि आप क्या कहेंगी बहन। उन्होंने कहा मैं भी तो बस यही बात करना चाहती थी, मेरे पति तो इससे भी बुरे हैं। तो उन्होंने अपनी कहानी बताई। उसके बाद में अगली बहन की ओर उन्होंने देखा। हाँ आपकी क्या कहानी है बहन। हाँ मेरे पति भी बिल्कुल ऐसे है। तो सब अपने पति के बारे में बताने लगे और इस तरह से घेरे में चलते रहा और आखिरी व्यक्ति के पास पहुंची। उन्होंने कहा आप अपने पति के बारे में क्या कहना चाहेंगे। ये बहन अलग थी। उन्होंने कहा नहीं मेरे पति अलग हैं, प्रभु का धन्यवाद कि हम शांति और खुशी में रहते हैं, वो अच्छे व्यक्ति हैं, हम प्रभु में खुश हैं। जानते हैं उन्होंने क्या कहा, बहन हम सोचते हैं आप बंधे हैं। आप बंधे हैं क्योंकि आपके पास कुछ है और आप प्रकट नहीं करना चाहती हैं। वो भीतर में है लेकिन आप उसे बाहर नहीं निकालना चाहती। आपको लगता है मैंने कहानी बनाई। ये हुआ है यहां से बस पास में ही, यहां से कुछ मीटर की दूरी पर। आप बंधी हैं। यदि हम बस हम आपके लिए प्रार्थना करें और आपको उस बंधन से आजाद कर दें, तब आप पति के बारे में बताना शुरू करेंगे। और इसी तरह से पति जो है बहुत ही विख्यात हो गए हर जगह पर। प्रार्थना की सभा के द्वारा वो वर्ल्ड फेमस हो गए। वो जाकर सबको बताती हैं। आप इस तरह से नहीं करती हैं। आप अपने पति को कभी नहीं बदल सकती है हर प्रार्थना सभा में जाकर उनके बारे में बताने से। जानते हैं कैसे बदल सकते। आप परमेश्वर के वचन को ले और कहने लगे, मैं और मेरा घराना हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, ये मेरा घर है। शायद मेरे पति जो है लाइन से बाहर है, लेकिन मैं कहूं कि मैं प्रभु पर विश्वास करूंगी, मैं उन्हें इस लाइन में आने दूंगी। इस बात में वो भले व्यक्ति हो जाएंगे, प्रभु उनमें काम करेगा, हमारा घर अच्छा होगा, हम शांति और आनंद पाएंगे। ये कहता है प्रभु पर विश्वास करो तो तुम उद्धार पाओगे, और तुम्हारा घराना ये कहता है तो हम प्रभु की सेवा करेंगे, और कुछ नहीं, शराब पीना नहीं, वो गलत बातें नहीं, कर्जा नहीं, इस तरह की समस्या घर में नहीं होगी, ये घर शांति का घर होगा। इसी तरह से अपने मुंह को काम दे कि आपके जीवन की दिशा को वो बदल दे, इसे अस्तित्व में आने के लिए कहे, अपने भविष्य को कहे, वो खुशी से रहेगा, हम सफलता से जिएंगे, हम विजयी घर पाएंगे यहाँ पर यीशु के नाम में। इस तरह से आप सब कुछ बदलते हैं। Everybody, let's clap our hands. Clap with me if you can. Your love is everlasting, it's an everlasting love. Your mercy is as new as every rising of the sun. And your loving kindness
Your loving kindness better than life. Your grace is all sufficient, it's an all sufficient grace. Your power and your glory are forever on display. And your loving kindness, your loving kindness is better than life. Better than life. Fairest of 10,000. Fairest of 10,000. Of 10,000 you are fair. And nothing in this world could ever measure or compare to your loving kindness. Your loving kindness is better than life. Just, oh Lord, you're just in all your ways. And I will lift my hands, oh Lord, with gratitude and praise. For your loving kindness, loving kindness better than life. His loving kindness to us. Think about how he has been good to you, loving to you. Sing this with me. Jesus, your loving kindness is better than life itself. Better than life itself. Jesus, your loving God is better than life itself. It's better than life.